कर रहे हैं पैनल के साथ, लेकिन बड़ी खबरों पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, और बड़ी खबर क्या है इस वक्त की वो आपको बता रहे हैं और आप देख भी पाएंगे। छत्तीसगढ़ में 90 की 90 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। 54 सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम छत्तीसगढ़ के अंदर लहरा दिया है। 35 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है। ये छत्तीसगढ़ का हाल, जहां पर 90 की 90 सीटों का रिजल्ट अब अनाउंस हो चुका है। तो छत्तीसगढ़ में सभी सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। 90 सीटें सबसे आगे आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने रखा है। 8:03 पर हमने पहला रुझान बताया था और उसके बाद टैली पलकों की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से बदली है, वो भी आपने देखा। और अब छत्तीसगढ़ में खाता क्लोज, सभी 90 सीटों के नतीजे घोषित हो गए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। 35 पर कांग्रेस सिमट गई, एक अन्य के खाते में गई है और तकरीबन 9 से 10 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। डेप्यूटी सीएम समेत 9 मंत्री हार गए। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव हार गए। मोहम्मद अकबर, पिछले बार रिकॉर्ड बनाया था जीत का, वो हार गए हैं। ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री हार गए हैं। और गिनाइए, रविंद्र चौबे ईश्वर साहू से हार गए हैं, बिरनपुर हिंसा के पीड़ित के पिता। 35 पर सिमट गई है कांग्रेस। डेप्यूटी सीएम समेत 9 मंत्री हारे हैं। किसी से भी फोन लगा के पूछो भैया हारा कौन है, कह रहा है जीते 3 है, वो पूछ लो। और टीएस सिंहदेव जो कल तक ये कह रहे थे कि राजनीति में आए हैं तो मुख्यमंत्री बनने की हसरत तो थी ही, वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए और ये कहा जा रहा था कि सरगुजा में उनको सीएम ना बनाने का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ गया है, वो अंबिकापुर से हार गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो बही खाता है वो 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बंद हो गया है, यानी कि 90 की 90 सीटों का परिणाम सामने आ चुका है। और किस तरह से कौन कौन हारा है, किससे हारा है, वो ललित ने आपको बताया। और जिस तरीके से ये हार हुई है उसकी कल्पना तो खुद किसी ने नहीं की थी, सियासत के पंडितों ने नहीं की थी, और इस जीत की कल्पना तो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं कर रहे होंगे। तो लगातार हमारे साथ न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी एडिटर अभिषेक जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन सूर्या मैथिल साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पहले उनके पास लिए चलें। 24 का क्या इशारा मिलता है, पिछले बार तो फिर भी 2 सांसद मिल गए थे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को। जी सूर्या जी। ललित जी, सुपड़ा साफ, फिनिश। अंडा पार्टी को संसद में एक भी सांसद ना तो छत्तीसगढ़ भेजने वाला है, ना राजस्थान, ना मध्य प्रदेश जी। और आप इस बात को आज लिख लीजिए कि छिंदवाड़ा पे भी कमल का फूल खिलेगा और नाथ जितने भी हैं ना ये सब साफ होने वाले हैं इस बार, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने भी बता दिया। चाहे कमलनाथ जी जीत गए लेकिन कई बार वो पीछे भी हुए, आपने खुद अपने चैनल पे बताया कि कमलनाथ जी पीछे चल रहे हैं जी जी। तो ये असलियत है। सूर्या साहब, 1-2 सीट तो बराए मेहरबानी ना, 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 ना। एक भी सीट नहीं, 1-2 सीट। और मैं आपको बताऊं, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। सनातन को गाली देना, सनातन को खत्म करने की मंशा रखने वालों के साथ खड़े होना, सनातन को डेंगू मलेरिया और HIV जैसी बीमारियों से तुलना करना, बोको हराम से तुलना करने वाले लोगों पर इस बार ऐसा देश की जनता प्रहार करेगी कि ये जो 40 सांसद है ना, ये इनोवा सांसद बन जाएंगे। एक इनोवा में जितने सांसद आते हैं उतने सांसद जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, इनोवा का खर्चा आपकी तरफ। चलिए मैं अब सीधे चर्चा को ट्रांसफर कर रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, ओवर टू यू प्लीज।